या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ कर, कुछ हो तब जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक जल के पात्र में कुश डालना, क्या डालना है, कुश, कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन, उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया, कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता है, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज ही हमें प्रदान करते, शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं, वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते ऐसे ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं भगवान।